असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई थी उसे देखो और उसे सुधार करो। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जैसे कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको बारंबार बारंबार कोशिश करने से भी सफलता न मिले तो अपना लक्ष्य न बदलना चाहिए, आपको उस लक्ष्य को तक जाने वाला रास्ता बदलना चाहिए। ये सारी बातें सच है, लेकिन ये सारी बातें झूठ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब आपने कुछ सामाजिक दबाव में आकर किसी की देखा देखी में सोशल मीडिया में देख के या किसी के इन्फ्लुएंशन में किसी के प्रभाव में आके जब आपने अपना करियर चूज किया होता है, तब आपका जो करियर है, आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, वो आपके इंटरेस्ट के विरुद्ध होगा। तब आप कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे सफल हो भी जाए, लेकिन उससे आपको एक चीज नहीं मिल सकेगी। वो क्या है? वो है खुशी, हैप्पीनेस। आपको उस काम करने में से हैप्पीनेस, आपको उस काम करने से खुशी नहीं मिल सकेगी। आपको अगर सफल होना है तो आप एक बुक लीजिएगा, उस बुक का नाम दीजिएगा करियर बुक। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन लिखिएगा और उसका आंसर भी आपको खुद ही देना है कि आपको सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है, क्या करना आपको पसंद है, किसमें आपको इंटरेस्ट है, उसका आंसर आप लिखिएगा। जब तक आंसर ना आए तब तक दूसरे क्वेश्चन की ओर नहीं बढ़िएगा आप। दूसरा क्वेश्चन है कि जिस चीज में आप में आपको इंटरेस्ट है उसमें आपकी क्या आवड़त है, क्या स्किल है। अगर हाँ है तो उसमें प्रैक्टिस करके आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको लिखना है वो है कि जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है उससे उसकी समाज को जरूरत है। चौथा क्वेश्चन, अगर समाज को जरूरत होगी उस स्किल की और उस आवड़त की और आपके नॉलेज की, तो क्या उससे आपको पैसा मिल सकता है? क्योंकि इस वर्ल्ड में, इस अभी के समय में पैसा सबसे जरूरी है। लोगों को जरूरत होगी तो आपको पैसा मिलेगा, और अगर पैसा मिलता है तो पांचवा क्वेश्चन आपको लिखना है कि किस किस तरह से मिल सकता है। क्या आप धंधा कर बिजनेस कर सकते हैं, क्या आप नौकरी कर सकते हैं, या फिर क्या आप फ्रेंचाइजी बेच सकते हैं। ऐसे सारे ऑप्शंस आपको ढूंढने हैं, रिसर्च करना है, खुद अपने आप से अंदर से झांकना है और उस सब को अपनी करियर बुक में नोट डाउन करना है। इसके बाद आप किसी भी करियर में आगे बढ़ सकते हैं, उसके बाद आप किसी भी करियर में सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसके बाद ये वाक्य सही होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसके बाद ये वाक्य सही होगा कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ता बदलने की जरूरत है। और भी वीडियो, लाइफ क्या है, क्या आप महान बन सकते हैं, गरीब बनना क्या गुनाह है, ऐसी ही सारी कई बुक रिव्यूज भी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा, और ये तीनों एग्जाम्पल स्त्री के हैं, एक वुमन के हैं। एक स्त्री जिसका नाम एक्स है, एक्स नाम की स्त्री जो है उसका पति इस दुनिया से चला गया था, उसको पुत्र को भी बीमारी हुई और वो भी उसका भी देहांत हो गया। इस वो ये जो स्त्री है ना, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसको लगता था कि इस दुनिया में मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं है। इसकी वजह से वो उसने भी सोचा कि मैं भी सुसाइड कर लेती हूँ। वो रेलवे स्टेशन पे गई, लेकिन 2 घंटे तक वहाँ पे रुकी और ट्रेन ही नहीं आई। उसका प्लान था कि ट्रेन में आके मर जाना है। तो वो फिर निराश होकर फिर घर आई। घर आकर देखा तो एक बिल्ली रो रही थी, और उसको पता चला कि बिल्ली इसीलिए रो रही है कि ये मरने के हालत पर पड़ी हुई है, उसको खाने की ज़रूरत है। तो उस बिल्ली को उसने दूध पिलाया। जब उसने उस बिल्ली को दूध पिलाया तब बिल्ली रो जाती थी और उसके पास बैठती थी। बिल्ली खुश हुई, उसको देखकर वो एक्स नाम की स्त्री भी खुश हुई, और उसे पता चल गया कि दूसरों की खुशी में ही मुझे मेरी खुशी है। वो ऐसे ही सोशल सर्विस के काम करती गई, कई सारे एनजीओज में जुड़ी, कई सारे सोशल
फाउंडेशन से जुड़ी और उससे उसकी करियर में सबसे ज़्यादा उसको पता चला कि मेरा इंटरेस्ट सोशल सर्विस में है, इसी में मेरा प्रोफेशन है और उसी में मुझे खुशी मिलती है। दूसरा एग्जांपल मैं वाई नाम की स्त्री का लेना चाहता हूँ। ये वाई नाम की जो स्त्री थी वो तंदुरुस्त नहीं थी, उसके शरीर में बीमारियाँ रहती थी। तो वो उसने क्या किया कि उसने योगा करना शुरू किया, एक्सरसाइज करना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ सुधरने लगी और उसने दूसरों को भी बताया कि मेरा वजन बहुत बड़ा हुआ था, मैंने योगा की, मैंने मेडिटेशन किया, मैंने अपने आप पर फोकस किया, इसकी वजह से मुझे परिणाम मिले। दूसरे लोगों ने भी उसकी बातें सुनी और दूसरे लोग भी उससे योगा सीखने लगे। 5, 10, 15, 20, 25 लोग उससे योगा धीरे धीरे सीखने लगे और वो योगा सिखाने के चार्ज भी लेने लगे। उसको पता चल गया कि ये इसी में मेरा करियर है, इसी से मुझे खुशी मिलती है। तीसरी स्त्री जेड नाम की स्त्री का मैं यहाँ पे उदाहरण लेना चाहूँगा। ये जो जेड नाम की स्त्री है उसे कुकिंग में बड़ा इंटरेस्ट था, खाना बनाने में। जब वो रसोई बनाती थी उसे खुशी मिलती थी, वो किसी अन्य लोगों को खिलाती थी, लोग उसकी तारीफ करते थे, वो उसमें नए नए एक्सपीरियंस कर रही थी और नई नई वेराइटी भी बना रही थी, जिससे कि लोग उससे खुश थे। धीरे धीरे उसने एक कंपनी स्थापित की और एक ऐसी फ्रेंचाइजी बनाई कि उसका जो स्वाद था वो करोड़ों लोग चखने लगे, उसको उसमें से खुशी मिलने लगी और उसने उसी को ही अपना करियर चुना। और आज ये तीनों स्त्री एक्स वाई और जेड, इसको क्या मिला? सफलता भी मिली, खुशी भी मिली, पैसा भी मिला और आज ये एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। तो अगर आपको सक्सेसफुल लाइफ जीना है तो मैंने जो आपको पहले तरीका बताया था ना करियर नोटबुक वाला, यही तरीके से ये तीनों स्त्री सक्सेसफुल हुई है। तो आपको भी ये ट्राई जरूर करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लोगों को भी बताइएगा कि ऐसा कुछ होता है और हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा और धन्यवाद।